सीएए और एनआरसी का जो संयुक्त प्रभाव है उसके रूप में पूरे देश में हलचल उथल पुथल है, लेकिन इसका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रिएक्शन है। और इसको पहले समझें और तब ये देखें कि झारखंड में उसका क्या संदर्भ है, झारखंड में क्या किस तरीके से उसको उसका प्रभाव पड़ने वाला है, और झारखंड में उसको किस तरीके से लेना चाहिए, झारखंड के बारे में किस तरीके से सुनना चाहिए। पहला तो है कि पहली प्रतिक्रिया सीएए बनते के साथ ही सबसे पहली प्रतिक्रिया और सबसे जोरदार प्रतिक्रिया रिएक्शन उथल पुथल विद्रोह जैसी स्थिति असम में हुई। और असम में ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि उसमें सड़क में उतरने वाले लोग किसी खास पहचान के थे, सारे असमी लोग, पूरा असम की जनता उसके विरोध में सड़क पर उतरी जो अभी तक उतरी हुई। उसका संदर्भ यह है कि वो मूल रूप से उनके यहाँ एनआरसी हो चुका है, एनआरसी में कुछ पहचाने जा चुके हैं, यानी एक संभावना, वो एनआरसी के बारे में अभी और कुछ फाइनलाइजेशन होना बाकी है, यानी एक करीब कुछ तय हो चुका है कि लाखों लोग जो वहां हैं वो, जिसमें हिंदू ज्यादा हैं, और लाखों लोग वहां गैर भारतीय अनागरिक के रूप में, विदेशी के रूप में वहां चिन्हित हो चुके हैं। अब उनका बोझ, उनका जेपीसी के अंदर जब कानून बनने की प्रक्रिया चल रही थी तो उनकी अपेक्षा ये थी कि इस कानून में ये बात आएगी कि जो हमारे ऊपर लोड पड़ रहा है, जो 12 लाख लोग, 13 लाख लोग या लाखों लोग जो होंगे, जो लोड पड़ रहा है उसका वितरण वो केवल असम का बोझ के रूप में नहीं होना चाहिए, असम की संस्कृति को, असम के जीवन शैली को, असम की भाषा को, असम के सामाजिक सामंजस्य की का जो एक है उसको तोड़ने वाला नहीं हो, इस कारण से उस आबादी की समस्या का निराकरण होना चाहिए, वो आबादी केवल वहीं नहीं रहनी चाहिए, इसके संदर्भ में कुछ न कुछ समाधान की जरूरत उनकी अपेक्षा थी। अब उसी तरह का सवाल असम का जो संदर्भ आया असम के हिसाब से, उसी तरह का लेकिन उससे भिन्न स्वरूप में, मैंने ये झारखंड और जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, झारखंड जैसे प्राकृतिक संसाधन बहुल और आदिवासी बहुल इलाकों के लिए एक दूसरे संदर्भ में आता है। उस संदर्भ एक सवाल उस संदर्भ में ये आता है कि जैसे छठी अनुसूची को इस कानून से मुक्त रखा गया है पूरी तरह से, छठी अनुसूची के क्षेत्र में ये कानून लागू नहीं होगा, यानी वहां जो लोग एक तरह से अगर इस तरह के लोग होंगे तो उनको दूसरी जगह के लिए, दूसरे वहां वो अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे नागरिकता के लिए, ये दावा भी पेश नहीं कर सकेंगे, उनको दूसरी जगह कहना होगा कि हम यहां हैं, जो जिक्र आता है। तो पांचवी अनुसूची के क्षेत्र में, पांचवी शेड्यूल के इलाके, फिफ्थ शेड्यूल के इलाके में इस तरह का आधा राहत, सेमी रिलीफ या सेमी प्रतिबंध भी क्यों नहीं लगा, एक सच सवाल ये, क्योंकि छठी अनुसूची और पांचवी अनुसूची में रिश्ता है पूरी की तरह आदिवासी बहुल, और एक तरह से आदिवासी, अच्छी आदिवासी आबादी वाले में कोई तरह से पूर्ण नियंत्रित, पूर्ण रूप से और एक अर्ध नियंत्रित इस रूप में है, तो यहाँ क्यों नहीं है, ये सवाल झारखंड के लोगों को, झारखंड और दूसरे जगह के जो पांचवी अनुसूची वाले इलाके हैं उनको पूछने की जरूरत है, उनके दिमाग में सवाल होगा और आज नकली बात आने वाली है। दूसरा संदर्भ जो है वो संदर्भ है सीधे सीधे जिससे एनआरसी के माध्यम से छंटने का खतरा होगा। एनआरसी होता है झारखंड में और दूसरे इलाकों में, झारखंड में खास तौर पर ये कि झारखंड में जो आदिवासी हैं वो वहां एक आंदोलन, सामाजिक संस्कृति के आंदोलन ये चल रहा है कि हम लोग हिंदू या क्रिश्चियन, मूल जो आदिवासियों का जो संस्कृति है, धार्मिक परंपरा है, धार्मिक प्रथा जो है वो न तो क्रिश्चियनिटी में आता है, न ईसाई में आता है, न हिंदू में आता है, और उनके स्वतंत्र धार्मिक धर्म को, स्वतंत्र धार्मिक को, धार्मिकता को सरना कोड के रूप में या किसी दूसरे कोड के रूप में उनको मान्यता दी जाए, ये आंदोलन लगातार है और जनगणना में सरना नाम से लिखाने वाले लोग हैं। संघ के लोग, भाजपा के लोग ये बोलते रहे हैं कि वो हिंदू धर्म का हिस्सा है और इसको नहीं मानते रहे हैं, और यहाँ के आदिवासी, अधिकांश आदिवासी नहीं मानते रहे हैं, वो स्वतंत्र अपनी धार्मिकता का दावा करते रहे। तो उसमें एनआरसी के वक्त जो जिनके पास कागजात नहीं होगा और जो सरना धर्म के होंगे, चूंकि वो 6 धर्म में नहीं आते हैं, इस कारण से वो सीधे सीधे मुस्लिम की तरह नागरिकता की सूची से
बाहर तो होंगे ही, और ये एक माध्यम से उनको एडजस्ट करने का, उनके नागरिकता को स्वाभाविक रूप से नागरिकता उनको दे दी जाए कुछ कमी रहने के बावजूद, ऐसा नहीं होने वाला है। यानी देश विदेशी उनको, जो यहाँ के आदिवासी हैं सबसे पहले रहने वाले लोग हैं, जो देशज हैं, जो गांव में जिसका दिखता है कि आधार है, पीढ़ियों से जो हैं, जिनका जिनका खुटगट्टी से लेकर पत्थरगढ़ी से लेकर कई तरह के सांस्कृतिक प्रमाण हैं, जिनके बारे में जो दस्तावेजों में हैं, जितने गैस्टियर आजादी के आंदोलन के अंग्रेजों के समय के होंगे, उनको भी घोषित व्यक्तिगत रूप से गैर नागरिक घोषित किया जाने का खतरा होगा। और वो केवल इस कारण से कि उनका धर्म स्वतंत्र है, और उसका जिक्र जो समझ भी नहीं है यहाँ के प्रशासन के लोगों को, केंद्रीय प्रशासन के लोगों को, और कुछ लोगों को समझ है तो जानबूझ के वो हिंदू धर्म का हिस्सा है मानने के लिए ऐसा किया होता है। तो इसका सीधा सीधा प्रभाव यहाँ के बड़े आदिवासी हिस्से पर एनसीआर अगर चला तो खतरा होने वाला है कि एनसीआर में अगर वो कागजात के अभाव, और एक और मामला कि यहाँ के गांव में ग्राम परंपरा ऐसी है जो लिखित परंपरा नहीं, वाचिक परंपरा और मौखिक परंपरा से यह चीजें चलती रहती हैं। यहाँ का इतिहास, यहाँ का सारा कुछ मौखिक परंपरा से चलता रहा है, और कुछ भौतिक परंपरा पत्थरगढ़ी टाइप की चीजों से चलता रहा है। तो यहाँ उस तरह के कागजातों को जरूरत नहीं माना जाता रहा है, बल्कि उन कागजातों से बहुत नजदीकी रिश्ता नहीं बनता है, क्योंकि कागजातों का डिमांड प्रशासन के तरफ से होता है, और कागजी हेरा फेरी, कागजी उल्टा पुल्टा काम करने में प्रशासन गड़बड़ियां करता रहा है। इस तरह से उनको कागज से एक तरह से उस तरह का लगाव नहीं है, बल्कि कागज से एक तरह से आशंका ज्यादा रहती है। इस कारण से भी कागजी सर्टिफिकेट वगैरह से इनका एक तरह से सांस्कृतिक अलगाव, मनोवैज्ञानिक अलगाव होता है। यहाँ की स्थिति ये, इस स्थिति में उनके पास कागजात मिलने की संभावना पढ़े लिखे और बाकी लोगों में भी कम होगी, और जितना कागज आप मांगना चाहेंगे उसमें तो और होगा, और ज्यादा खतरा होगा। बिरहोर, खरिया जैसी कई जातियां यहाँ हैं, 10 से ज्यादा जातियां होंगी, जो मैंने जाति यहाँ नहीं, आदिवासी समाज होगा, जो आदिम जनजाति के रूप में जो बहुत उपेक्षित, बहुत बुरी जिंदगी जी रही हैं, और वो अभी तक खेती वाले इसमें पूरी तरह से रमी नहीं है। यानी गांव में, एक गांव में रहना है, खेती करना है, अपनी जमीन होनी है, इसकी जगह पर वो जंगलों में रहते हैं, जंगल के संसाधनों पर जिंदा रहते हैं और जगह बदलते रहते हैं, ऐसे आदिवासी भी हैं। ये पूरे देश में ऐसे लोग हैं, घुमंतू समाज तरह के लोग, लेकिन झारखंड में तो और स्पष्ट रूप से हैं, और वो आदिवासियों में भी, एसटी में भी सबसे प्रिमिटिव टाइप के माने जाते हैं, उनके लिए विशेष योजनाएं चलती हैं। उनके पास कागज नहीं होगा तो सीधे वहां से छंट जाएंगे, इस हिसाब से संदर्भ आता है। इसका एक चौथा और एक संदर्भ है कि जो लोग नागरिकता का निर्धारण वीडियो करेगा, कम से कम पांचवी अनुसूची के इलाके में, ग्राम सभा जहां भी ग्राम पंचायत व्यवस्था है पूरे भारत में है, लेकिन पंचायत के इलाके में एक प्रश्न आता है कि वीडियो, वो व्यक्ति कितने दिन से वहां रह रहा है, उसकी वंशावली क्या है, कितने दिनों से रह रहे हैं, उसका जन्म कहाँ हुआ है, ये ज्यादा प्रामाणिक जानकारी वीडियो और ऑफिसर रखेंगे कि गांव के लोग रखेंगे। स्वाभाविक रूप से गांव के लोग ज्यादा अच्छा रखेंगे, तो ग्राम सब यानी तब वो उनके बारे में प्रमाण तय करने का दिल्ली की सरकार, दिल्ली का लोग, एनआरसी के या प्रांत के हेडक्वार्टर के लोग या ब्लॉक के लोग, उनके एनआरसी की सूची के लायक है कि नहीं है, ये प्रांत, ये ऑफिसरी ब्यूरोक्रेसी बनाएगी या ग्राम सभा को बनाना चाहिए, ये एक सीधा सीधा प्रश्न यहां के लिए ज्यादा होता है, क्योंकि यहां ग्राम सभा का आंदोलन बहुत अच्छे तरह से चल रहा है। इस रूप में ग्राम सभा को यहां का संदर्भ है कि ज्यादा प्रामाणिक रूप से ग्राम सभा ही कर सकते हैं। यानी जो एक संदर्भ यहां के लिए अगर बनता है कि ग्राम सभा से एनआरसी में कौन लोग है नहीं है सूची बनाने का संदर्भ घर घर जाके जुटाया जाए, उससे अच्छा है कि जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, जो वार्ड मेंबर हैं, जो ग्राम सभा ग्राम प्रधान हैं, जो मोहल्लों में वार्ड मेंबर होते हैं, वहां के माध्यम से ले लेने के हिसाब से वो ज्यादा अच्छे तरीके से होगा, जो वोटर के माध्यम से भी हो सकता है और जो नॉन वोटर हैं उस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से होना चाहिए। बल्कि ये कहें कि ग्राम सभा की सहमति के बगैर और ग्राम सभा के ऑब्जेक्शन और सहमति दोनों को ध्यान में रखने वाली के हिसाब से वो बनना चाहिए,
एक सोचने का संदर्भ है कार्यकर्ताओं के लिए, हम लोगों के लिए, कि जिस तरह से राज्य सरकारों ने, प्रांत सरकारों ने ये घोषित किया है कि हम अपने यहां इस कानून को लागू नहीं करेंगे, हम अपने यहां एनआरसी लागू नहीं करेंगे, वो एक राजनीतिक लड़ाई के रूप में घोषणा की है, उसी को अगर आगे बढ़ाया जाए इस तरीके से कि हर स्टेट अपनी विधानसभा में सीएए के प्रावधान को और एनआरसी के बारे में अपने स्टैंड को अपने विधानसभा में रखे और उसकी संवैधानिक मान्यता कितनी हो नहीं हो, लेकिन उसके बारे में अपना स्टैंड रखे कि हम इसको अमान्य करते हैं, तो एक लड़ाई का, एक लोकतांत्रिक लड़ाई का, राजनीतिक लड़ाई का, लोकतांत्रिक लड़ाई का केवल मुख्यमंत्री घोषणा करता है लेकिन विधानसभा में वो बहस चलती है तो एक ज्यादा बड़ा माहौल बनेगा इस तरीके से, जिस तरह से वो करने की जरूरत है। और ग्राम सभाओं को आगे की कोई अभी के संदर्भ में एनआरसी तय करने के, हमारा नागरिक जो गांव का है, जो ग्राम सभा का सदस्य है, वो स्वाभाविक रूप से भारत का नागरिक है क्योंकि हमारा गांव भारत में है, वो संसद से लेकर सब जगह में दर्ज है, और इस कारण से हमारा जो स्वाभाविक सदस्य है वो भारत का नागरिक है। इसके बारे में कुछ पूछताछ की जरूरत नहीं, इसके बारे में कोई संदेह की जरूरत नहीं, इसके बारे में किसी का ज्ञात की जरूरत नहीं। इस तरह की मान्यता के साथ ग्राम सभा के लोग, सचेत ग्राम सभा के लोग अपने यहां ये इस ग्राम हमारा गांव ये है, इस ग्राम सभा भारत का एक गांव है, भारत का गांव है, और ये हमारे यहाँ के बुनियादी वासी हैं, हमारे यहाँ के इतने सालों से, इतना पीढ़ियों से रह रहे हैं, या इतना कम से कम न्यूनतम इतने सालों से रह रहे हैं, और इस कारण से ये भारत के भी, चूंकि गांव के ग्रामीण हैं, इस कारण से भारत के नागरिक है। इस तरह की घोषणाओं के रूप में एक आंदोलन, नागरिकता स्वीकृति आंदोलन या नागरिकता उद्घोषणा आंदोलन टाइप का यहाँ के ग्राम सभाएं कर सकती हैं, और यहाँ के जो ग्राम सभा के आंदोलन के लोग हैं उनको नागरिकता का निर्णायकता, निर्णायक कौन है, देशज कहीं से भी नागरिकता से वंचित नहीं हो, और देशज को नागरिकता से वंचित करने का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं है, जो प्रत्यक्ष शासन नहीं है, जो वोट के माध्यम से चुनी हुई है, उसको अधिकार नहीं है, और हम बुनियादी आधार हमारा है, हम माध्यम है, हमारी बातों को केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को मान्य करना चाहिए, इस तरह का आंदोलन चलाना चाहिए। यहां का एक संदर्भ बहुत अजीब लगता है कि जब ग्राम सभा के लोग बोलते हैं कि बाहर के लोग नहीं आए, उनको अनागरिक घोषित नहीं करते हैं, दुश्मन घोषित नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहां के लोग, बाहर के लोग नहीं आए हैं, एक तब उनको ये कहा जाता है कि यह संविधान का उल्लंघन है, किसी को भी कहीं जाने का अधिकार है, किसी भी धर्म के लोगों को कहीं भी जाने का अधिकार है, एक कहते हुए नागरिक अधिकार के तहत गांव के लोग, ग्राम सभा के लोग जो पत्थरगड़ी कर रहे हैं उनको देशद्रोही की संज्ञा दी जाती, और वही सरकार धर्म के आधार पर भेद करती है, धर्म के आधार पर कुछ लोगों को मानती है कि वो घुसपैठिए हो सकते हैं या घुसपैठिए हैं, इस भाषा में बात करती है, और वही उसी प्रावधान को जिसके आधार पर देशद्रोही कहा जाता है, जिन बातों को कहने के कारण ग्राम सभा के लोगों को, वो काम खुद करती है, तो इस कंट्राडिक्शन के संदर्भ में, इसके संदर्भ में भी सोचने की जरूरत है, और कम से कम इस बात को सोचते हुए भाजपा के लोगों को, संघ के लोगों को, मोदी शाह की सरकार को इस कंट्राडिक्शन को समझ के अपने विवेक को जगाते हुए ऐसे कदम को वापस लेना चाहिए। ये स्वाभाविक न्याय का या स्वाभाविक विवेक का तकाजा है, अगर इनका पालन नहीं होता तो माना जाएगा कि कहीं ना कहीं जानबूझ के सारी गड़बड़ियां, गैर समझदारी की वजह से नहीं, ना समझी की वजह से नहीं, कंफ्यूजन में नहीं, जानबूझ के चीजें की जा रही हैं, ऐसा माना जाएगा, और जो जनता में जो ये मान्यता है कि जानबूझ के की जा रही हैं वो बातें स्वाभाविक रूप से सिद्ध हो जाएंगी।